इस तरीके की राखी बनाना बहुत ही आसान है। ये हम क्विलिंग स्ट्रिप्स के द्वारा बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं राखी बनाना। पहले आप लेंगे क्विलिंग स्ट्रिप। उसके लिए आपको या तो आप ये क्विलिंग टूल ले लीजिए, यहाँ से इसको ऐसे फंसा करके इसको ऐसे राउंड करना शुरू करिए और इसे निकाल लीजिए और उसके बाद हाथ से करिए। नहीं तो आप डायरेक्ट हाथ से भी कर सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको जो है उसी से करना है, क्विलिंग स्ट्रिप के टूल से ही करना है, तो आपको क्विलिंग टूल की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, आप इसको हाथ से भी बना सकते हैं, कोई टूल वगैरह की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये छोटे बच्चों को करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, तो आप उन्हीं से कराइए। छोटे बच्चों की राखी है, छोटे बच्चों के लिए बन रही है और छोटे बच्चे ही अगर इसे बनाएंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब आपने इसे ऐसे कर दिया और आप इसको यहाँ से पेस्ट कर दीजिए, इस तरीके से एंड इसका पेस्ट कर दीजिए, इसको यहाँ रख दीजिए। अभी देखिए मैं आपको हाथ से करके बताती हूँ। ये मैंने एक स्ट्रिप को आधा कर लिया है क्योंकि मैं फ्लावर बना रही हूँ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ बना रहे हैं तो उसमें आपको कितना लेना है। अब देखिए मैंने इसको यहीं से ऐसे रोल करना शुरू कर दिया। आपको किसी क्विलिंग टूल की कोई ज़रूरत नहीं है, तो अब आप इसे रोल करिए इस तरीके से। देखिए हम ये बना रहे हैं फ्लावर, तो फ्लावर की हम बना रहे हैं ये पैटर्न। तो अब आपने जैसे इसे रोल कर दिया, ये हो गया है। अब आप इसको यहाँ से पकड़ के, एक कोने से पकड़ के आप इसको ऐसे थोड़ा दबा दीजिए, तो देखिए ये आपकी बिल्कुल पेटल शेप में आ चुकी है। अब आप इसको यहाँ से पेस्ट कर दीजिए। मैंने ये सारे पेटल्स पहले से ही बना के रखे हुए हैं, तो अब आप इनको इसके साथ पेस्ट कर देते हैं हम सारे पेटल्स को इस तरीके से। यहाँ पर हम फेविकॉल लगा देते हैं इसके चारों तरफ। चारों तरफ पेटल लगाने के बाद अब आप इसको यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए। आप डायरेक्टली रिबन के ऊपर भी ऐसे पेस्ट कर सकते हैं, वो ज़्यादा आसानी हो जाएगी आपको, उसको उठाने में भी आसानी रहेगी आपको। अब आपने इसको यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर दिया और बाकी के ये इसको इसके साथ पेस्ट कर दीजिए इस तरीके से। जब आप ये पेस्ट कर चुकेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनके तैयार हो जाएगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके अंदर कुछ और डिज़ाइन बनाना चाहते हैं या नहीं। मैंने जो है ये इस तरीके से आप लगा दीजिए इसको सारे, और जब ये सूख जाएगा तो सूखने के बाद आप जब इसे उठाएंगे तो ये अपने आप ही एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे, क्योंकि हमने फेविकॉल का इस्तेमाल किया है चिपकाने के लिए, तो ये चिपक के तैयार हो जाएगा इस तरीके से। इस तरीके से ये चिपक जाएगा, देखिए ये जैसे ये फूल बना हुआ है ये सेम इसी तरीके से बनाया है। इसमें बस मैंने यहाँ पर ये बीड्स लगा दिए हैं। बीड्स आप इस तरीके से लेकर के और आप ऐसे करके इसको लगा दीजिए इस तरीके से आप बीड्स पूरे में लगा दीजिए, तो आपकी ये राखी तैयार हो जाएगी। आप ज़रूरी नहीं है कि फूल ही बनाएं। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये बतख, ये बटरफ्लाई, ये बैलून, ये सब भी बना के रखा हुआ है। आप चाहें तो ये ऐसे भी यहाँ पर ऐसे पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को फूल के अलावा बाकी बटरफ्लाई और पतंग वगैरह बहुत पसंद आती है, तो आप वो भी बना सकते हैं। इन सबको बनाने का तरीका भी वही है। आप क्विलिंग स्ट्रिप को राउंड करिए, जिस तरीके से ये थोड़ा सा मैंने खोला है उसको थोड़ा खोल दीजिए और उसको दबा दीजिए। बाकी आप इन सबको बनाने की मेरी दूसरी वीडियोस देख सकते हैं। तो आपको उम्मीद करती हूँ ये राखी पसंद आई होगी और बच्चों के साथ आप मिल करके ये राखी ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब इट ऑल्सो।